तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली से आगरा के लिए, और ये माउंट मैंने ले लिया था, ग्रिप इट ऑन क्लैंप एम मोबाइल होल्डर। इसको फटाफट लगाते हैं, हो गया टाइट, ये मारे खड़ाक से आ गया इधर। अब मोबाइल यहाँ लगाएंगे गाइस, फटाफट निकलेंगे दिल्ली। अबे साले तभी आगरा। तो गाइस वेलकम टू यमुना एक्सप्रेस वे। तो गाइस फर्स्ट ब्रेक लिया हम लोगों ने 120 किलोमीटर के बाद। तो गाइस टाइम हो रहा है 1:49, और अभी सोते हैं थोड़ा, 1-2 घंटा, उसके बाद फिर निकलेंगे। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मतलब सूर्य के बाद 7:11 उठ रहे हैं अभी, ये चेक मार रहे हमने एक्सप्रेस वे, और मस्त हो गए थे पीछे हम लोग, ठंडा था, हवा चल रहा था बढ़िया सा। उसके बाद में अभी जस्ट उठे हैं और सब फ्रेश व्रेश होके फिर निकल लिए अपने मंजिल की ओर। और आगरा यहाँ से करीब 60-70-80 कितना है दिखाते हैं हम लोगों को। सो गाइस वेलकम टू आगरा। तो फाइनली पहुँच गए आगरा हम लोग, और टाइम हो रहा है 8:14। ये देखो गाइस, BMW को टैक्सी में चला रहा है। अच्छा फास्टैग से कट जाएगा। ओह ओके, चलो भैया मारो स्कैन। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं पार्किंग, और यहाँ से अभी ई रिक्शा लेके जाएंगे। ये चेक मारो, यहाँ पे ये ऐसा चलता है, ये बड़ी बड़ी गाड़ी है। हाँ तो भाई ये है ई रिक्शा, और इसे बैठ के जाएंगे ताजमहल के अंदर अंदर सीधे सीधे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे लग रहा है एक बार पैडल दबाया होगा, पहुंच गया बीच में ले लिए, कहीं भी ना हो एक दूर छोड़ देते हैं। तो गाइस ये गेट है क्या ताजमहल का? अच्छा ये क्या है, लाल किला है? अबे साले तभी ये चेक मारो गाइस। तो भाई टिकट का है यहाँ पे 50, और फॉरेनर के लिए 1300, और सारे 740 फॉर मोसोलियन, 540 विथआउट मोसोलियन। क्या है ये, हो गया भाई साहब। हम लोग टिकट लेके लाइन में खड़े हो गए चेकिंग के लिए, और फटाफट चेकिंग करवा के अंदर चलते, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अभी यहाँ पे वीडियो शूट नहीं करने देते। तो गाइस ये टोकन है, और ये देखो लाइन भयंकर। तो गाइस अंदर आ चुके हैं भयंकर चेकिंग करवाने के बाद, पूरा मोबाइल घड़ी दुनियादारी सब निकाल के चेक की। और ये देखो अंदर आ गया, हम लोग आ गया था अंदर। ये मारो चेक मारो, भयंकर धूप है भाई। ये क्या है भाई? मस्जिद। अच्छा अच्छा, हाँ ये मस्जिद भाई साहब, ये ताजमहल चेक मारो पीछे, मस्जिद। ऐसे करके दिखाता हूँ, क्या डिजाइन है यार, क्या ईंटे हैं, क्या पत्थर, सब पत्थर है, पत्थर सब ना पत्थर कारिश किया गया सब गेट है, एंट्री है। अच्छा फिर उधर इधर उधर ये मस्जिद नहीं है, ये एंट्री है। ये भाई ये देखो, ये चेक मारो, ये पॉज करके पढ़ना किसी को चाहिए इधर। तो भैया ये देखो गेट, हम लोगों ने मस्जिद बोल दिया था, गेट है भाई। ये पूरा यासीन लिखा है क्या यार ये? हाँ भाई साहब, आज के दिन नहीं कर पाएंगे भैया, इंजीनियर इंजीनियर सब फेल हैं। ये चेक मारो ये अंदर, ये अरे भैया प्यारी चीज तो अब आई है। चलो
ये देखो गाइस, हेलो, एक हाथ तो फोटो तो गाइस ये देखो पीछे अरे बढ़िया बिल्कुल बढ़िया ये चेक मारो ये देखो भाई ये देखो तो गाइस ये चेक मारो ये गेट और हम लोग यही से देख के वापस जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है हम लोगों के पास। हम लोगों को खास मेरा मकसद था यही देखने का, ये ब्यूटी देखने का मकसद था गाइस। ये चेक मारो आप लोग ये देखो, इसको जितना जूम करेंगे उतना प्यारा लगेगा। ये देखो ये देखो ये देखो ये ये देखो ये भैये कैसा लगा। तो ये साइड साइड में सब फूल लगा दिए, बीच बीच में वाटर है, शाम को चलता है बोल रहे हैं सब, शाम को फुहारा निकलता है इधर से, वो छोटा छोटा भी दिखे निकल रहा है, छोटा छोटा निकल रहा है, छोटा 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 ये बड़ा बड़ा निकलता है। तो पूरी हो गया चारों तरफ भी, तो फिर निकल रहे हम लोग ये यहाँ पे हटिए भाई। वो लोग कहाँ चले गए यार, हमको भाई निकल रहे हैं बाहर की ओर, वो लोग कहाँ गए दिख नहीं रहा है भाई कहीं पे। भाई साहब वो लोग गायब हो गए यार हमको छोड़ के, अब उन लोगों को ढूंढना एक टास्क है यार, कहाँ ढूंढूं भाई। तो गाइस ये फोटोग्राफर का नंबर लेके फोन लेके फोन किया तो लोग वहीं पे हैं, मैं बाहर आ गया था फिर से अंदर जा रहा हूँ, ये चेक मारूँ जहाँ पे फोटो वोटो खींचे थे वहीं पे हैं बोल रहे हैं, अंदर जा रहा हूँ अंदर। रस भयंकर हो गया भाई, कहाँ पे हैं, अच्छा वो अभी भी वहाँ पे फोटो खींच रहे हैं। अरे यार हम बाहर चले गए थे यार, बाहर क्यों गए थे आप, आपको हम यहाँ खोज रहे हैं नहीं मिले, हम बाहर चले गए। फोन तो उठाइए, फोन कर रहे हैं उसके, किसी का नंबर मांगे फोन नहीं उठा रहे, क्या उठेगा कुछ भी, नहीं हम लोग बोले भाई कि वापस चलेंगे तो मैं बोला वापस चलते हैं, क्या टाइम नहीं है यार, अंदर चलना है क्या, चलो भाई अंदर से दिखा देते। सो गाइस ये चेक करो यहाँ से सब फोटो, फोटोग्राफर लोग सब यहाँ से फोटो खींचते हैं, ये बहुत ही प्यारा आता है भैया, हम तो आप लोगों की दिखाएंगे फोटो तो नहीं खींच पाए, खींचे दो चार और दिखाएंगे उसमें, उसमें फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे जमील 2514 पे, आप लोग दिख जाएगा जो खींचे हैं हम लोग। गाइस मैंने मारिया को फ़ोन किया और रो रही है, बोली अकेले अकेले चले गए हमको भी लेके जाना चाहिए था, रो रही है, फिर इंशाल्लाह अगली बार लेके आऊँगा फैमिली को पूरी इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि देखने लायक ही है यार, ये बहुत प्यारी बताइए उस ज़माने में यार, इतना खूबसूरत खूबसूरत पत्थर लगाए हुए हैं, यही लिखा हुआ। सो गाइस आप लोगों को नज़दीक से दिखाता हूँ मैं, ये पत्थर क्रिस्टल क्या है, कृपया यहाँ पैसे ना डाले क्या है इसमें भाई, अंदर ये से, अच्छा अच्छा यहाँ से अंदर जा, अंदर जाते हैं साल में एक बाजार का और होता है, मेन गुंबद के अंदर से खुलता है, बिल्कुल नीचे जा सकते हो आप भाई सब, ये चेक मारो गाइस ये देखो सारी पत्थर उस जमाने में, अब तो प्रोटीन आ गई है, दुनियादारी आ गई है भाई, उस जमाने में जोड़े थे ये देखो भाई, ये चेक मारो भाई ये देखो भाई साहब पत्थर में भी डिजाइन, हाँ भाई ये नदी की वजह से और ठंडा लग रहा है इधर, थोड़ा ठंडा है बट यार ये इतना गंदा है यार नदी, वो देखो सामने देखो, इसमें भी लिख दिए यार लिखने वाले साले, ये देखो भाई दिल जले आशिक लोग हर जगह मौजूद है भाई
दिल जले लोग है। हम लोग पूरा राउंड चारों तरफ से राउंड लगा के अब निकल रहे हैं यहाँ से, एग्जिट हो रही है और यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। तो गाइस आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो आज का, ताजमहल का स्पेशल आगरा का। और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। और हम लोग अभी थोड़ा सा काम है आगरा में, काम वो फटाफट ख़त्म करते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। तो इंशाल्लाह रात में पहुँच जाएंगे हम लोग घर। और एक बार और लास्ट चेक कर लो गाइस, ये गेट है, ये पीछे ताजमहल है। तो भाई साहब हम लोग आगरा से निकल गए थे, आधा घंटा से ऊपर हो गया और अपने तबरेज भाई ने मस्त टाइम स्पेंड किया हम लोगों के साथ, मस्त घुमाए बेचारा, सब मस्त घुमा उमा के ताजमहल वहल पूरा अपने अपने वहाँ ऑफिस पे लेके गए, ऑफिस पे ले जाके बैठाए वहाँ पे बैठा गया हम लोग कम से कम आधा घंटा जितना। उसके बाद लेके गए फिर बिरयानी खाया गया, उसके बाद में बिरयानी वरियानी खा के फिर उनको उनके ऑफिस पे ड्रॉप करके फिर हम लोग निकल गए आगरा एक्सप्रेस वे पे। और फाइनली हम लोग आगरा एक्सप्रेस वे पे ही चल रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। गाइस ये चेक करो, फ्यूल अप करा रहे हैं और गाड़ी में फ्यूल जम्मा 3 पॉइंट रह गया था, तो फटाफट फ्यूल अप कराते हैं और यहाँ पे थोड़ा देर रेस्ट करेंगे यार, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 कवर कर चुका मैं। और खाना खा के तुरंत निकले हैं ना, तो फिर थोड़ा आलसीपन लग रहा है और नींद लग रहा है यार। ये एम्बुलेंस में से भी अगर नींद लग गया तो मतलब बहुत डेंजर है, सो थोड़ा देर रेस्ट करते हैं उसके बाद निकलते हैं। नहीं लगेगा भैया। तो गाइस फ्यूल अप करा लिए और अभी ये पीछे जा रहे हैं, पीछे मतलब यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है पीछे है, उसके बाद बगल में साइड में अलग साइड में पंप है, क्या नाम है। तो जो मैं बता रहा था आप लोगों को कि अगर कोई एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल कर रहा है तो 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर पे है फूड किंग, ये भैया ऐसे ही रहता है। देखो ये हमने मतलब ये एक्सप्रेसवे हो गया, ऐसे साइड से उतर जाओ आप, उसके बाद में अपना हर चीज़ पूरा कर लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद में चाय कॉफ़ी कुछ लेना है ले लो, पेट्रोल सेट्रोल और उसके बाद में गाड़ी में हवा पानी सब चेक करवा लो, उसके बाद फिर निकलो भाई। तो हम लोग भी पहुँच चुके, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे और ब्लैक टी पीते हैं फिर निकलते हैं भैया। तो गाइस हो गया फ्रेश व्रेश हो गए हम लोग और निकल रहे हैं यहाँ से। सो ज़्यादा फ़ोन चार्ज लगा दूंगा, थोड़ी देर चाय पियेंगे, बट अभी यार बहुत दूर जाना है तो नहीं पीते हैं, फ़ोन में चार्ज नहीं है तो थोड़ा वीडियो बनाऊँगा मैं। सो गाइस अंधेरा हो चुका है, मतलब विजिबिलिटी कम हो गया है और लाइट जला दे रहा हूँ, 7:30 हो गया, ये देखो मैंने लाइट ऑन कर दिया। तो गाइस ये चेक मारो, ये शाम होते ही इन लोगों का ऐसे ही पारा हो जाता है ट्रक वालों का, कोई भी रूट से जाएंगे। देखो ये 100 वाले रूट पे जा रहा है, ये 120 वाले पे जा रहा है, मतलब ओवरटेक वाले लोन लाइन पे जा रहा है, 80 वाले जा रहे हैं, ये मतलब इन लोगों का कोई वो नहीं है साले, ये लोग इन लोगों की वजह से एक्सीडेंट होता है। सो गाइस फाइनली पहुंच गए लखनऊ और टाइम हो रहा है 9:03। तो गाइस लखनऊ में गायब हो गए हम लोग, एक रास्ता भूल गए, पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया ये हाईवे, कहाँ निकल रहा है साला, जितना टाइम लगा हम लोगों को वहाँ से आने में, मुंह कहाँ पर निकल रहा है ये, इतना टाइम यही फंस गया यार, फंस गया साला, UP 70 में आ गया। अब उसी आप अड्डा के बगल पे कौन सा रोड बोलते हैं पता नहीं, ये इस बॉर्डर का। सो गाइस फाइनली आधा घंटा फालतू हो गया, फाइनली चढ़ चुके हैं हम लोग यहाँ वो लुलु मॉल वाले रोड पे, और हम लोग उल्टा चले गए थे, उल्टा वो यू टर्न समझ लीजिए, हम लोगों को राइट साइड से आना था तो हम लोग लेफ्ट साइड चले गए थे, और आधा घंटे से ऊपर हम लोगों को वेस्ट हो गया। तो टाइम हो रहा है अभी 9:36। और गाइस हम लोग लुलु मॉल वाले रोड पे चढ़ चुके हैं और यहाँ से सीधे लखनऊ बाहर निकलेगा, और देखते हैं अभी कहाँ हॉल्ट करेंगे, 9 बज चुका है अभी, हम लोगों को 350 किलोमीटर जितना जाना है, तो देखते हैं अभी जहाँ तक जा पाएंगे। हम लोग का खास प्लान है नौगढ़ जाके स्टे करने के लिए या फिर बस यहाँ बांसी में, देखते हैं जैसा होगा आप लोगों को अपडेट करेंगे गाइस। सब पहुंच गए हैं टोल टैक्स पे, क्या हुआ, हाँ कर भेजो, ये नेशनल हाईवे, ये इस पे हमेशा ऐसे ही होता है यार, ये टाइम लगाते हैं लोग, साला कुछ मालूम नहीं। देखिए उस पे फटाफट कर भाई, कर जल्दी कर यार, उस पे फटाफट कर, उस पे देखिए। तो गाइस यहाँ से अयोध्या है, चल थैंक यू, यहाँ से अयोध्या है करीब 90। तो गाइस 836.3 किलोमीटर चल चुके हैं गाड़ी,
और समय हो रहा है 11:16 और मैं एक पंप पे रुका हूँ, पता नहीं कौन सी जगह है। और दाई को टॉयलेट जाना था तो गए हैं टॉयलेट। और भैया लास्ट का लग गया है और हम लोगों का आज का टारगेट है कम से कम बांसी तो पहुंचने का, क्योंकि बांसी में अगर सोएंगे तो सुबह जल्दी घर पहुंच जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। अभी समय हो गया 11:16 और टेम्परेचर है बाहर का 28°C। तो गाइस रात में हम लोग सो गए थे 2 बजे और उठते उठते हो गया टाइम 6:00 मतलब हम लोग अभी फिलहाल पहुंच चुके हैं लोटन की तरफ और बारिश हो रही है बहुत ज़ोर से। तो कल मैं बहुत थक गया था, ब्लॉग भी नहीं कर पाया था। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगला वीडियो फिर जल्दी आएगा, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एमजे ब्लॉग। ये चेक मारो पानी, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है भाई, तगड़ा बारिश हो रही है। इधर ये देखो एंकर गाइस, ये चेक करो, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम जैसे लग रहा है फॉग हो गया है पूरा।